नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज हम बात करेंगे ईआईए के स्टेजेस के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ ईआईए एंड आई डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ ईआईए नोटिफिकेशन 2006 बिकॉज दैट इज द बाइबल ऑफ ईआईए इन इंडिया टिल डेट। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। Environmental Impact Assessment Part 3. So let's start. So what are the stages of EIA in India based on the EIA notification of 2006? First, screening. At this stage, it is determined if further EIA is required or not. If EIA is not required, very well, go ahead with your project. If EIA is required, then we have to categorize that this particular project will fall under which category. Will it fall under category A or category B? If it falls under category B, will it be B1 or B2? So project categories are determined at the screening stage itself. Then comes scoping. At this stage, the terms of reference are determined. Terms of reference means what all you have to do for environmental compliance and environmental management at this stage for your project to get environmental clearance. So that's the terms of reference, and those are determined at the scoping stage. Third, public consultation, and it has two parts: public hearing and written response from stakeholders. Then fourth is appraisal. Appraisal is conducted by expert appraisal committee and or state level expert appraisal committee, depending on project category. If the project falls under category A, it means that it's a bigger project and it will be dealt by the center, and the expert appraisal committee at the center is called expert appraisal committee. And when a project is of shorter scale, if a smaller scale, then it falls under category B and it is dealt with by the state level expert appraisal committee. Please listen carefully. The full forms: expert appraisal committee at the center for category A projects and state level expert appraisal committee at the state for category B projects. Okay, so these are the four main stages of EIA as per the notification of 2006, and I'm telling you exactly the way it is in the notification. I'll give a link of the notification in the description box. So ye dekhiye, char stages hain EIA ke. Pehla hota hai screening. स्क्रीनिंग में पता चलता है ईआईए चाहिए या नहीं चाहिए। ईआईए नहीं चाहिए तो हरी झंडी, आप आगे कुछ मत करिए, अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, आपको किसी से कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं। अगर ईआईए चाहिए तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कैटेगरीज डिटरमाइन कर लेंगे। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, लार्ज स्केल पे है, तो वो कैटेगरी ए में आएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, और फिर उससे छोटे प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है स्कोपिंग वो स्टेज है जहां प्रोजेक्ट का स्कोप डिटरमाइन किया जाता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और प्रोजेक्ट का से एनवायरमेंट पर कितना इंपैक्ट होगा। तो उस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पर जितना इंपैक्ट होगा, उस हिसाब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब शर्तें, जी कि ये शर्तें आप फुलफिल करेंगे एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, आप ये काम करेंगे उन शर्तों के मुताबिक, तो ही आपके प्रोजेक्ट को आगे क्लियरेंस मिलेगी। तो वो जो शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वो इस फेज में स्कोपिंग में डिटरमाइन कर ली जाती हैं। तीसरा होता है पब्लिक कंसल्टेशन। अब आप लोगों से जाके पूछोगे जो उसके आसपास रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, और इसको पब्लिक हियरिंग या फिर लिखित में भी लिया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और चौथा है अप्रेजल। सेंटर पे एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी होती है और स्टेट लेवल पे होती है स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। और ये प्रोजेक्ट कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कैटेगरी ए है तो ईएसी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स हैं तो एससीएसी स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, इनको अप्रेज करती है। अप्रेजल में होता है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कभी कभी एक जो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है वो कभी कभी दो तीन स्टेट्स के लिए भी बना दिया जाए, जैसे कि पंजाब हरियाणा, इन दो स्टेट्स का मिला के एक ही स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी बना दी गई, और वो पंजाब के केसेस भी देख रही है, हरियाणा के केसेस भी देख रही है, ऐसा होता है। स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये जानबूझ के मैंने टेक्स्ट लिखा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या है, हम नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये नोट्स लेने के लिए मैंने आपको सारा कुछ बना दिया है, हालांकि मोस्टली आपको मैंने पहली स्लाइड में ही समझा दिया। स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द स्केल, प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज एज ए एंड बी टाइप प्रोजेक्ट। बी टाइप प्रोजेक्ट्स आर डेल्ट बाय द एससीएसी व्हिच इज द स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी।
while category A projects are dealt by the EAC Expert Appraisal Committee at the center. For category B projects, the information in Form 1 of the application submitted is scrutinized by State Level Expert Appraisal Committee, State Level Expert Appraisal Committee, and it is determined if it has to be put under category B1, which requires detailed EIA, or B2, which does not need a detailed EIA for clearance. ठीक है, तो इसमें कैटेगरीज डिटरमाइन कर लेती हैं. कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट हैं तो सेंटर में दिखा, सेंटर में उसको अप्रेजल होगा. कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट है तो स्टेट लेवल पे अप्रेजल होगा. और फिर बी वन है तो डिटेल्ड ईआईए चाहिए, बी टू है तो कोई डिटेल्ड ईआईए नहीं चाहिए. बस इतना ही कहा गया. स्कोपिंग एट द स्टेज द सेंट्रल और द स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी डिटरमाइंस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ डिटेल्ड ईआईए ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इन फॉर्म 1 और फॉर्म 1A. The expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee may also conduct a site visit by giving a 7-day prior notice to the applicant. इस stage पे terms of reference मतलब शर्तें, जिन शर्तों का पालन करना होगा आपको environmental clearance लेने के लिए, वो determine कर ली जाती हैं. और वो किस आधार पर determine करती हैं कि जो application होता है ना, वो जो project proponent है या जो applicant है, वो application देता है कि हमारा project यहाँ located है, उसके आस पास इतना कुछ है, project का area इतना है और प्रोजेक्ट किस तरह का है. तो तो उस लेवल पर ये निर्धारित कर लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के, अगर मान ले थर्मल पावर प्लांट है और वो किसी नदी के किनारे है, तो उससे क्या एयर पोल्यूशन होगा, क्या वाटर पोल्यूशन होगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. तो ये सब कुछ स्कोपिंग के दौरान निर्धारित कर लिया जाता है. कंस्ट्रक्शन टाउनशिप और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स do not need scoping and are appraised for form 1A as per form 1A or form 1 and the conceptual plan only. For category A hydroelectric projects, terms of reference or TOR are conveyed along with clearance for pre-construction activities. So township ka jo project hota hai, jo jaise ki jo ghar var bante hain, mohalle bante hain, apartment complexes bante hain, unko scoping karne ki zarurat nahi hoti hai. Unhone jo application form 1A ya form 1 डाला होता है एप्लीकेंट ने, और जो कंसेप्चुअल प्लान है, उन दोनों के आधार पर तय कर लिया जाता है कि इनका आगे क्या करना है और उनका अप्रेजल उसी आधार पे होता है. और कैटेगरी ए मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कैटेगरी के अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बड़ा कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसी वक्त दे दिया जाता है स्कोपिंग के स्टेज पे, ताकि कुछ शुरुआती काम हो सके. द टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर कन्वेड टू द एप्लीकेंट बाय द ईएसी बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी और द स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1. इफ द कमिटी फेल्स टू डू सो, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट आर डीम्ड फाइनल. The terms of reference are displayed on the official website of the IAA. IAA means Impact Assessment Authority, which is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at the center, and state at the state level, it is the State Level Environmental Impact Assessment Authority. Okay? So terms of reference जो होते हैं उसको 60 दिन के अंदर, within 60 days, applicant ने आज application डाली और उसके 60 दिन, 2 महीने के अंदर जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है या स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है, उसको बताना होता है कि आपकी क्या शर्तें होंगी जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जरूरी होंगी. और अगर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए शर्तें स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी या सेंट्रल लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने नहीं दी, तो जो एप्लीकेंट ने कहा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट नदी के किनारे है, उसमें ये पोल्यूशन होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये करेंगे, जो एप्लीकेंट ने कहा होता है उसी को फाइनल मान लिया जाता है. Project applications can be rejected by the concerned impact assessment authority at this stage itself. In case of rejection, the impact assessment authority provides reasons for rejection. और इसी stage पे scoping पे ही अगर लगा कि ये project का scope जो है वो बहुत deadly है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है, और impact assessment authority उसी basis पे project को scoping के stage में ही reject कर सकती है, और लेकिन जब reject करेगी तो उसको applicant को कारण बताने होंगे कि किस कारण से हमने आपका project reject किया. हालांकि ऐसा कम होता है, दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन एट द स्कोपिंग स्टेज सेल्डम हैपेंस, सो इट्स नॉट वेरी कॉमन. पब्लिक कंसल्टेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑल कंसर्न्स ऑफ द लोकल अफेक्टेड पर्सन एंड दोज हैविंग अ प्लॉजिबल, दैट इज हैविंग अ रीजनेबल स्टेक इन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन.
all category A and B on projects need to undertake public consultation except modernization of irrigation projects or project activities located within pre-approved industrial parks, because these industrial parks have already been approved. So if something new goes in this industrial park, they don't need further public consultation because the area itself, the park itself, has been approved previously. Expansion of roads and highways requiring no further land acquisition. So even if the road or highway is being expanded, but there is no further land acquisition, it is assumed that the local people will not have a problem and public consultation is not conducted. Building or construction or township projects, there also public consultation is not happening. And all category B2 projects and activities, because B2 projects do not need a detailed EIA, and that is why they do not need public consultation. Defense and security projects and projects deemed as strategic. So defense and security projects, yeah, it's important to see here that, it's important to see here that defense projects, when it comes to matters of national security, nothing is more important than that. So we don't consult the public in matters of national security because the government knows what is best at that location or that situation. So तो पब्लिक कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो पब्लिक को वहां कंसल्ट किया जाता है जो कि प्रोजेक्ट जहां लगने वाला है उसके आसपास जो लोग उससे अफेक्ट होंगे या फिर कोई भी एनजीओ वगैरह हो गई जिसको कि लगता है जिसको कि उसमें एक रीजनेबल एक लॉजिकल उस प्रोजेक्ट से हानि या लाभ दिखता है तो उन सबको कंसल्ट किया जाता है. कैटेगरी ए और कैटेगरी बी1 प्रोजेक्ट जिनको डिटेल किया चाहिए उनको पब्लिक कंसल्टेशन चाहिए होता है. लेकिन उन प्रोजेक्ट में से भी कुछ जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, तो जो पहले से कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसका आधुनिकीकरण हो रहा है. प्रोजेक्ट एक्टिविटीज लोकेटेड विद इट प्री अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल पार्क, जो इंडस्ट्रियल पार्क पहले से अप्रूव कर ले गए उस पार्क अप्रूव्ड पार्क में कुछ नया बन रहा है इंडस्ट्रियल पार्क में तो उसको भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं चाहिए. रोड्स और हाईवेज का जब एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन कोई नया लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है वहां भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं चाहिए. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स इनको भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं चाहिए और बी टू के प्रोजेक्ट को डिटेल चाहिए ही नहीं तो उनको पब्लिक कंसल्टेशन नहीं चाहिए. डिफेंस और सिक्योरिटी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हितकर है स्ट्रेटेजिक है उनको भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं चाहिए होता है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में लोगों के मत से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा अहम होती है तो सरकार तय करती है खुद कि क्या सुरक्षा के हित में है और इसलिए पब्लिक कंसल्टेशन वहां भी नहीं होता है. कॉम्पोनेंट्स ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन दो तरह के होते हैं. पहला पब्लिक हियरिंग ऑन साइट और नियर द प्रोजेक्ट साइट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट एज द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड और इज कंडक्टेड इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इफ द प्रोजेक्ट स्पैन्स मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स. इट इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और द यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी एंड इज रिपोर्टेड टू द expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee within 45 days of request from the project applicant. So public hearing do tarah ke hote hain. Pehle on site logon ko ikattha karke ek din meeting hoti hai ki sab log jo zarur jisko jo kehna hai wo aa jaye aur jab wo log aa jate hain to kahan ikattha hote hain jahan project site hai kyunki unhi jahan project site hai uske aas paas ke log hi affect ho rahe hain to aise jagah meeting rakhe ki sab log wahan aa sake jo aas paas ke log to wahi kahin rakh lete hain meeting. Aur agar koi river wali project hoti hai तो वो तो किसी एक जिले में होती नहीं है तो फिर वो 3, 4, 6, 8, 10 जिलों में होती है तो फिर जितने जिले उस रिवर वैली प्रोजेक्ट में आते हैं उन सभी जिलों में अलग अलग पब्लिक हियरिंग होती है. अलग अलग जिले में जाके मीटिंग करते हैं. पर्पस ये है कि जिन लोगों को उस प्रोजेक्ट से दिक्कत है वो आसानी से वहां पहुंच सके. जैसे अगर प्रोजेक्ट पटना में है और हम मीटिंग मुजफ्फरपुर में करते हैं तो पटना के लोग अपना काम छोड़कर मुजफ्फरपुर कैसे आएंगे मीटिंग में. तो प्रोजेक्ट अगर पटना में है तो मीटिंग भी पटना में ही की जाती है. इसका ध्येय ये है. मीटिंग करवाता कौन है? निष्पक्ष अथॉरिटी. तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंटर में, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट में, या अगर प्रोजेक्ट किसी यूनियन टेरिटरी में पड़ता है जैसे चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये पब्लिक हियरिंग करवाती थी. और जैसे ही प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डाली गई और फिर जब स्कोपिक डिसाइड हो गया और प्रोजेक्ट एप्लीकेंट ने कहा कि हाँ अब हमको पब्लिक हियरिंग करानी है तो प्रोजेक्ट एप्लीकेंट जब पब्लिक हियरिंग की रिक्वेस्ट करते हैं उसके 45 दिन के अंदर पब्लिक हियरिंग हो जानी चाहिए. रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल हैविंग अ रीजनेबल स्टेक इन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. कैटेगरी टू ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल हैविंग अ रीजनेबल स्टेक इन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. समरी ऑफ EIA रिपोर्ट एंड
project application is displayed on the website of Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, the authority also uses other media for widespread publicity of the project if needed. तो आपने पब्लिक मीटिंग तो कर ली, पर कुछ लोग लिखित में रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच सकते. कुछ एनजीओज वगैरह है वो पूरा पढ़ के आपको फिर बताएंगे. तो वैसे केस में क्या करती है सीपीसीबी, एसपीसीबी या यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी जो होती है, वो अपनी वेबसाइट है उस प्रोजेक्ट के. प्रोजेक्ट के डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज कर देती है. तो किसी को भी पता है कि उस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो रहा है अगर उनके इलाके में, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स देखें और उन्हीं को आप जवाब भी दें लिखित में जो भी आपको दिक्कत. आफ्टर पब्लिक कंसल्टेशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द एप्लीकेंट टू एड्रेस ऑल कंसर्न्स, मेक चेंजेस इन द ड्राफ्ट ईआईए एंड ईएमपी व्हिच इज द एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड सबमिट द फाइनल ईआईएस, एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट व्हिच इज द ईआईए रिपोर्ट, सॉरी which is the EIA report to the expert appraisal committee or state level expert appraisal committee. तो यही है अब appraisal सबसे मुश्किल और सबसे complicated phase है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा. So please understand this carefully. It is the most complicated stage of in EIA at for an applicant. So what is appraisal? It is the detailed scrutiny of the project application, which is the final EIS. It is the detailed scrutiny of the project application plus the final EIS. Which is the EIA report, the environment management plan, and the details of public consultation by the expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee before recommending environmental clearance for the project to the impact assessment authority. The applicant is invited to present his or her case, and the expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee can do these two things after the presentation. Number one, recommend environmental clearance based on stipulated terms. Recommend rejection of the project by stating reasons for the same. Appraisal of projects not requiring public consultation or detailed EIA is carried out on the basis of form 1 or form 1A submitted by the applicant and a site visit conducted by the expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee if the committee sees fit. The entire process of appraisal is completed within 60 days of submission of final EIA report or form 1/form 1A by the applicant, and the recommendations are conveyed to the impact assessment authority within the next 15 days. So appraisal ka jo pura process hai, public hearing ho gayi, isko pehle screening hua, fir scoping. Sorry about the background noise. पहले स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर पब्लिक हियरिंग और सारे कमेंट्स को एड्रेस करके फाइनल ईआईए रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट कहते हैं, और उसमें फाइनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी था. और ये सब जो है एप्लीकेंट अब एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी को जमा कर देता है. एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी उस पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म 1 या फॉर्म 1A होता है उसको, रिपोर्ट्स को, सबको पढ़ती है, और उसके बाद उसको जो एप्लीकेंट है उसको एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जैसे भी प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाती है. और उस प्रेजेंटेशन के बाद और उस सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी को डिटेल स्टडी करने के बाद दो बातें होती हैं. या तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी कह देती है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको दिए गए हैं वो सही है, उनको फॉलो करते रहिए और आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा, या फिर रिजेक्ट कर देती है कि आपने आपके प्लान में या तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फॉलो करने के लिए सुविधा नहीं दी गई है, आपके प्लान परफेक्ट नहीं है, या फिर आपका प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत पोल्यूटिंग है तो आपका प्लान भी काफी नहीं है उस प्रोजेक्ट के पोल्यूशन को रोकने के लिए. तो और एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है वो स्क्रूटनी करती है, स्टडी करती है, सब कुछ करती है और रिकमेंड करती है, वो क्लियरेंस देती नहीं है. क्लियरेंस देने का काम इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का है, और इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सेंटर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है. और जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है वो इनसे अलग होती है. एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी का वही है कि जैसे इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया कि आप एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी को, कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी सब कुछ देख के पढ़ के हमको बताएगी सही है कि नहीं, अगर सही है तो हम बस मुहर लगा देंगे. ये एक्सपर्ट अप्रेजल का कमिटी का काम होता है रिकमेंड करना, पर मुहर लगाने का काम, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इशू करने का काम इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का ही होता है. इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट का परमानेंट डिपार्टमेंट होता है,
जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है वो अपॉइंटेड मेंबर से बनी होती है, उसमें तीन मेंबर्स होते हैं और तीनों तीन तीन साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं। ये फर्क है, ये भी एग्जाम में आ सकता है या ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जिन लोगों जिन प्रोजेक्ट्स का पब्लिक कंसल्टेशन हुआ ही नहीं होता है उनको फॉर्म वन और या फॉर्म वन ए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है और साइट विजिट के आधार पर उनको इन्वायरमेंटल अप्रेजल में अप्रेज कर दिया जाता है, उनकी स्क्रूटनी कर ली जाती है। साइट विजिट हमेशा कंडक्ट नहीं होता है, कभी कभी अगर एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को लगता है कि हमें एक बार साइट पर जाके देखना चाहिए तो फिर वो विजिट कंडक्ट कर सकती है। और पूरा जो प्रोसेस है अप्रेजल का, जैसे आज हमने सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास जमा कराए, उसके 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को रिकमेंड को अप्रूवल या डिनाइल रिकमेंड कर देना होता है। और जैसे 60 दिन में अप्रूवल या डिनाइल रिकमेंड किया एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने, उसके 15 दिन के अंदर एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को वो रिपोर्ट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास मुहर लगने के लिए भेज देना होता है। तो ये देख रहे हैं सारा प्रोसेस टाइम बाउंड है, इतने दिन के अंदर ये स्टेज होना चाहिए, इतने दिन के अंदर ये स्टेज होना चाहिए। ये टाइम बाउंड इसलिए ताकि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो फंस के डिले ना हो जाए। ओके, आशा है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के स्टेजेस के बारे में आज जो भी हमने जाना वो आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर अप्रेजल इन एन ईआईए प्रोसेस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।